आइए आज देखा जाए प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। जैसे कि हम लोग प्लेन मिरर जानते ही हैं, देखे भी हैं। अब इसकी फोकल लेंथ की बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। दूसरी चीज़ है, अगर हम दो प्लेन मिरर लें, सपोर्टेड ये प्लेन मिरर हो गया, दूसरा प्लेन मिरर ये हो गया, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल में रख दिया जाए और उसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख दें जिसे हम देखना चाहें, तो उसकी जो इमेज बनेगी, नंबर ऑफ इमेज, वो इनफाइनाइट बनेगी, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग अक्सर अमेठी में देखे होंगे गायत्री माता जी को, गायत्री मंदिर है, गायत्री मंदिर में देखिए जो गायत्री माता हैं, थोड़ा सा मंदिर की तरफ अंदर तरफ झुक करके इस साइड में देखिए, आपको इनफाइनाइट दिखाई पड़ेंगे, अनंत दिखाई पड़ेंगे, काउंट नहीं कर सकते हम। तो वहाँ पर क्या है, गायत्री माता बीच में रखी है, इस साइड में भी प्लेन मिरर है, इस साइड में भी प्लेन मिरर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, इसलिए वहाँ पर जो इमेज बनती है गायत्री माता जी की वो इनफाइनाइट बनती है। इससे हम लोग घर पे भी देख सकते हैं अपने यहाँ, कि दो मिरर ले लें, बीच में पेन रख दें ऐसे, और उसको साइड से ऐसे करके हम देखेंगे तो हमको इनफाइनाइट इमेज बनेगी। दूसरी चीज़ें, सपोर्टेड सामने प्लेन मिरर है और हम इस साइड से आ रहे हैं, हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो मिरर में जो हमको स्पीड दिखाई पड़ेगी वो इसका जस्ट दूना रहेगा, मतलब इसकी जो स्पीड रहेगी वो 40 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो मिरर में रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या दिखाई पड़ेगी, 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब जितने भी स्पीड से हम आ रहेंगे उसका जस्ट ट्वाइस कर देंगे, दूना कर देंगे। नेक्स्ट, हम सब प्लेन मिरर अगर सामने रख दें और उसमें अपनी पूरी हाइट देखना चाहें तो प्लेन मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो जो प्लेन मिरर है वो हमारी हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर हम 170 सेंटीमीटर के हैं या 100 सेंटीमीटर के हैं तो प्लेन मिरर की हाइट 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर हम 200 सेंटीमीटर के हैं तो प्लेन मिरर की हाइट 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये है प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, और भी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। थैंक यू क्लास।